अच्छा छोटू, मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, बीच में आके डिस्टर्ब मत करना। छोटू, माय हस्बैंड, ये बहुत ही नॉटी है। अब जैसे कि आपने भी कुछ अपने हस्बैंड में ऐसा देखा होगा कि उसको देख करके आपने अपने हस्बैंड का छोटा सा नाम रख दिया, जैसे कि गोलू, मोटू, तो वैसे ही मैंने छोटू रख दिया। खैर छोड़िए ये सब, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा है कोरोना वायरस, जो कि भारत में आ चुका है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ये मीडिया कोरोना वायरस की जान ले ही लेगी, पक्का बता रही हूँ। तो ये संदेश मुझे गौ माता ने खुद आप तक पहुंचाने को बोला है। उन्होंने बोला है कि उन्हें शांति से मूतने दें। तो ये बेरोजगार जो घर पे बैठ करके तंबाकू मसलते ना जिन अंगूठा से, उन अंगूठे से फिर तंबाकू ही मसले, फालतू के मैसेजेस ना फॉरवर्ड करें कि गाय का मूत्र पी के कोरोना वायरस रफा दफा हो जाएगा, वरना ऐसी जगह सींग मारूंगी ना कि बोलने लायक नहीं बचोगे। ऐसी जगह का मतलब जहां से कोरोना वायरस घुसता है, आंख नाक मुंह, डर्टी माइंड। तो ज्यादा उंगली करना बंद करें और मास्क लगाए रहें। तो लड़कियों, ये मत सोचने कि आपका सिर्फ इससे ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस है। अरे छोटू, एक कप चाय बना देना, चाय बड़ी अच्छी बनाती है ये, और जब बैठे बैठे चाय मिल जाना तो थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए। आगे और भी टिप्स दूंगी कि अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखें। आज ना इनकी छुट्टी है, वो कल क्या हुआ ना, इनकी बैंक में दो आदमी मास्क लगा के घुसा है, सबकी नजरें उनके ऊपर, सब जगह हड़कंप मच गया, सबको लगा कोरोना वायरस आ गया। सांस में सांस तो तब आई जब पता चला कि वो डकैत हैं। मतलब फालतू के डराते हैं यार ये लोग। तो इतना भी बुरा कोरोना वायरस नहीं है जो आप सब उसके हाथ धो करके पीछे ही पड़ गए हो। अरे बी पॉजिटिव, मेरे ब्लड ग्रुप की तरह। ओ हाँ, सांस से कुछ याद आया, मेरी सास भी यही चाहती कि इसी बीच मेरा भी भला हो जाए। जबरदस्ती के पीछे ही पड़ रहती, बेटा बुध पता चली जाओ, बेटा मंगल पता चली जाओ, बेटा तुम कहीं चल ही जाओ, बट मैं उनसे दो कदम आगे ही चलती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग और छोटी चाय बनी कि नहीं, ये हस्बैंड लोग भी ना भरोसे करने लायक ही नहीं है।